क्या ऐसा कोई आइलैंड होगा जो दिन में टूरिस्टों की घूमने की जगह हो और रात में जहां टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स का राज हो? जी हाँ, मेक्सिको सिटी से 17 मील दक्षिण में ज़ोकिमिल्को कैनल्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम ला आइला दे मुनिकास है, पर अब ये डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये आइलैंड एक फ्लोटिंग गार्डन है जिसे कि मेक्सिको में चिनम्पा कहते हैं। इस आइलैंड पर सैकड़ों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकती हुई हैं। 1990 में जब मेक्सिको सरकार ने ज़ोकिमिल्को कैनाल्स की सफाई का काम शुरू किया और कुछ कर्मचारी सफाई करते हुए इस आइलैंड पर पहुंचे और उन्हें नजर आई ये टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स। कहां से आई इतनी सारी डॉल्स? इस डॉल आइलैंड की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही डरावनी भी। डॉल आइलैंड की कहानी। सैंटाना बरेरा इस आइलैंड पर अकेले रहते थे। अकेला रहने के लिए सैंटाना अपना घर परिवार छोड़ इस आइलैंड पर बस गए थे। कुछ दिन बाद इस आइलैंड के किनारे पर एक बच्ची की डूबने से मौत हो जाती है जो कि वहां अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद सैंटाना को उसी जगह पर पानी में तैरती हुई एक डॉल मिली जहां की उस बच्चे की डूबकर मृत्यु हुई थी। सैंटाना उस डॉल को निकालते हैं और उसे एक पेड़ पर टांग देते हैं। न जाने क्यों पर उन्हें ऐसा यकीन होता है कि उस डॉल में उस लड़की की आत्मा है और यदि वो इसे अपने आइलैंड पर लटका देंगे तो वो आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी। इसके बाद जब भी उन्हें उस आइलैंड के आसपास कोई भी डॉल मिली वे उसे निकालकर आइलैंड पर लटका देते हैं। सन 2011 में सैंटाना बरेरा भी उसी जगह पानी में डूबे हुए मृत पाए गए जहां की वो बच्ची डूब के मरी थी। उनकी मौत कैसे हुई ये आज तक एक रहस्य है, लेकिन रात को उस आइलैंड पर वो अकेले ही रहते थे। इसलिए कहा जाता है कि आइलैंड की किसी अपरिचित शक्ति ने सैंटाना की जान ले ली। डॉल आइलैंड अपनी डरावनी डॉल्स को लेकर एक टूरिस्ट स्पॉट तो बन गया, लेकिन रात को आइलैंड पर केवल डॉल्स का राज रहता है।